दीपावली के इस पवित्र त्योहार में भारतीय कला के प्रति प्यार और समर्पण दिखाते हुए अब बाजार में बदलाव की हवा चल रही है। कुम्हारों की पारंपरिक कला को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने इस दिवाली प्रण किया है कि वह मिट्टी से बने दियों से ही दीपावली मनाएंगे। कुम्हारों की दशा उनकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण की गहरी भावना से भरी होती है। वे अपनी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाते हैं और उसे बढ़ावा देने के लिए मेहनत और समर्पण से काम करते हैं। कुम्हारों का मानना है कि बाजार में चाइनीज दिए और इलेक्ट्रॉनिक झालरों की वजह से मिट्टी के दिए और मूर्ति का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। साथ ही उनका मानना है कि दिवाली के त्योहार में मिट्टी की मूर्तियां और दिए सिर्फ 25% ही बिकते हैं, जिससे आर्थिक संकट हो जाता है। वह भी चाहते हैं कि उनके घर भी दिवाली उत्साह पूर्वक मनाई जाए। साथ ही खरीदार मानते हैं कि मिट्टी के बर्तनों, दिए और मूर्तियों के प्रयोग से पर्यावरण संतुलन बना रहता है और कुम्हारों की पारंपरिक कला भी जीवित रहती है। इसीलिए वह मानते हैं कि दिवाली पर्व के अलावा भी सबको मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए। पहले से काम हमारा बहुत कम हो गया ना, पहले 25% होता था, 25% रह गया। लोग आ रहे हैं खरीदारी करने? बहुत कम आ रहे हैं, एक आध घंटे में कार आ जा रहे हैं, वही कस्टमर छोटा मोटा। पहले लाइन से लगे रहते थे कस्टमर, अब नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? चाइनीज माल की वजह से नहीं आ, चाइनीज माल बाजार में ज्यादा आ चुका है। वो महंगा भी है, सस्ता है चाइनीज माल? वो महंगा, हमसे फिर भी ज्यादा बिक रहे हैं ना, वो हमारा कम बिक रहा है। देखने में अच्छा लगता है? हाँ, वो अच्छा लगता है ना देखने में, हमारा माल इतना अच्छा नहीं लगता। जब तक हमारा काम और ठप हो जाएगा, आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। कुमार के घर में दिवाली होनी चाहिए। जी जी जी, बताइए बताइए।